झारखंड में 12 दिनों के बाद आखिरकार सहायक पुलिस की मांग को राज्य सरकार ने मान लिया और राज्य सरकार की शर्तों को सहायक पुलिस ने मान लिया। और ये जो आंदोलन 12 दिनों से चल रहा था रांची के मोराबादी मैदान में, आखिरकार वो अब खत्म हो गया। इन लोगों ने अपना आंदोलन वापस ले लिया है। आप गए थे मिथिलेश ठाकुर मंत्री जी से बात करने, क्या बात हुई आप? देखिए, जब हम सुबह में ही हम लोग वार्ता के लिए माननीय मंत्री ठाकुर जी के पास गए हुए थे, तो हम लोगों ने अपना मांग पत्र फिर से सौंपा। उसके बाद मंत्री जी सीएम साहब के पास प्रोजेक्ट भवन गए, वहाँ बातचीत हुई। उसके बाद फिर से हम लोग ठाकुर जी के साथ हमारा वार्ता हुआ। फिर वार्ता में हम लोगों को बताया गया कि अभी हम लोगों का सिर्फ 2 साल का एक्सटेंशन बढ़ाया जा रहा है और हमारे लिए सहायक पुलिस के लिए एक विशेष उच्च स्तरीय टीम का गठन किया गया है, जिसमें सचिव लेवल के लोग हैं और उसमें हमारे सहायक पुलिस के हर जिला से भी एक एक आदमी को नेतृत्व करने के लिए बनाया गया है। तो 1 महीना के बाद सभी लोगों को फिर से बुलाया जाएगा। मतलब जो 12 सदस्य है ना हमारा, सभी जिला से एक एक सदस्य को बुलाया जाएगा। उसमें बताया जाएगा कि क्या जो मांग पत्र में था, कितना मानदेय दिया जाएगा, कितना वेटेज बढ़ा, जो कुछ भी हमारा है। अभी कितने साल का एक्सटेंशन मिला आपको? 2 साल का। 2 साल का मानदेय कितना बढ़ा वो आप लोग नहीं? अभी मानदेय का बात नहीं हुआ है, क्योंकि अभी आप लोग कितने मांग रखे हैं कि आपका मानदेय कितना होना चाहिए? चतुर्थ वर्ग कर्मचारी का जितना एक न्यूनतम वेतन होता है 18,000 रुपये, हमारा मांग 18,000 रुपये है। बाकी अब जो टीम गठित किया गया है वो विचार करेगी, सरकार हमारे लिए जो कुछ सोचेगा वो सही ही सोचेगा, क्योंकि झारखंड की सरकार है और हम सभी झारखंडी हैं। तो आप लोग इससे संतुष्ट हैं जो वार्ता हुई? अभी तो सभी लोगों को बताया गया, सभी लोग संतुष्ट ही पाए जा रहे हैं, तभी तो अपने अपने जिला के लिए वापस जा रहे हैं। बाकी अब 1 महीना के बाद जो टीम का गठन हुआ है उसका क्या निर्णय होता है फिर बताया जाए। जा रहे हैं घर। हाँ। और हम लोग को जो मांग था वो हम लोग का मांग पूरा नहीं हुआ है, मगर हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी बोले तो उनका भी मतलब बात को पालन करना है, और क्योंकि हम लोग भी उनका एक हिस्सा हैं, ठीक है, तो हम लोग जा रहे हैं अभी। और मेरे जो गए थे प्रतिनिधि उन लोग भी आ गए, तो अब हम लोग अपना जिला की ओर प्रस्थान करते हैं। कहाँ के रहने वाले हैं आप? हम लोग प्लामू के रहने वाले हैं जी। तो अभी तो मानदेय में बढ़ोतरी होने का बात नहीं आ रहा है कि मानदेय नहीं बढ़ेगा, तो 2 साल और एक्सटेंड किया गया? हाँ, 2 साल अभी एक्सटेंड किया गया है, और देखिए अब आगे क्या होता है, अब तो सरकार पर निर्भर करती है। जो उन्हें बोले हम लोग अपना मतलब कर्तव्य पालन कर रहे हैं, उनका आदेशानुसार हम लोग अपना जिला को प्रस्थान कर रहे हैं। बसों में भर कर जाते ये लोग आज खुश हैं कि कम से कम सरकार इनको 2 साल का एक्सटेंशन दे दी, लेकिन अभी बहुत लोग नाराज इसलिए हैं भाई कि इन लोगों को पता नहीं कि वेतन बढ़ा कि नहीं बढ़ा। लेकिन एगो दिलचस्प बात आपको बताते हैं, इसमें से बहुत कम ही लोग हैं, बहुत कम, उंगली पे गिनने लायक, लेकिन ऐसे भी लोग हैं जो अपने पत्नी के द्वारा ही पीटे गए। जब यहाँ पे लाठी चार्ज हुआ था तो कई सहायक पुलिस की पत्नियाँ जो पुलिस में हैं वो उन पे लाठी चार्ज कर रही थी, ठीक इसी तरह कहीं पति भी कर रहा था, ऐसा भी उदाहरण है। हालांकि सरकार अब कह दी है कि जितना भी इस दौरान केस हुआ बर्खास्त किए गए हैं सहायक पुलिस, उस सबको हम केस वापस ले लेंगे, बर्खास्त पुलिस लोग भी फिर से काम करेगा। तो यही है, आप लोग संतुष्ट हैं कि नहीं? हाँ, नहीं कहे जो था वही है, अब संतुष्ट की क्या बात है इसमें? हम जो तो हम लोग मांग था वो तो पूरा हो भी नहीं किया। आप लोग का क्या क्या मांग था? कि वेतन बढ़ना चाहिए जी, सेवा विस्तार उसमें ज्यादा होना चाहिए, अभी तो 2 साल के लिए कर दिया है। अच्छा, आप लोग संतुष्ट नहीं है? नहीं। अच्छा, इतना 12 दिन जो आप लोग यहाँ झेले मोराबादी मैदान में, अगर भविष्य में आंदोलन करने का जरूरत पड़ेगा तो फिर इतना हिम्मत है कि यहाँ आके? हाँ। हाँ, आएंगे हम लोग, फिर से आएंगे हम लोग अपना मांग के लिए, फिर से आएंगे हम लोग।
तो आप लोग जो आपके 12 प्रतिनिधि गए थे बातचीत करने, उन लोग जब आप लोग को ऐलान किया कि भाई अब हड़ताल खत्म हुआ, तो जो फैसला हुआ उस फैसले से आप लोग पूर्ण रूप से संतुष्ट नहीं हुए? जो हम लोग चाहते थे वो तो फिलहाल हुआ नहीं। अच्छा। तो संतुष्ट तो हम लोग कोई नहीं है, लेकिन फिर भी अभी हम लोग स्थगित करके वापस लौट रहे हैं अपने अपने जिला। क्या 2 साल का एक्सटेंशन से संतुष्ट नहीं है या सैलरी इंक्रीमेंट का जो मानदेय था? दोनों से, सैलरी से भी नहीं और 2 साल विस्तार किया उससे भी नहीं। आप लोग क्या चाहते थे, क्या होना चाहिए? कम से कम मिनिमम 18,000 होना चाहिए था, जो हुआ नहीं। और सेवा विस्तार तो 2 ही साल का किया है, वो बढ़ना चाहिए था। और अच्छा, आप जो कमेटी बन गई है कि वो निर्णय लेगी कि आप लोग का कितना पैसा बढ़ना चाहिए और क्या क्या सुविधा मिलना चाहिए, अभी ये वो पुलिसकर्मी हैं जो वर्दी से लेके जूता तक, टाई बेल्ट सब अपने पैसे से लेते हैं 10,000 में। सरकार आप लोग के मांग पे जिस तरीके से कमेटी बनाई है, आगे आप लोग का निर्णय कैसा, मतलब इस निर्णय का कैसे? वो तो बाद की निर्णय, कमेटी बनाई वो थोड़ा सा पॉजिटिव चीज़ है हम लोग के लिए, लेकिन जो अभी जो हुआ उससे हम लोग बिल्कुल संतुष्ट नहीं है। फिर भी जैसे हम लोग की प्रतिनिधिमंडल गई थी तो हम लोग बात मान के भी जा रहे हैं, लेकिन उधर से आया है बयान कि अगर 15 दिन के बाद कुछ निर्णय लेके और बता दिया जाएगा, अगर नहीं बताएगा तो फिर हम लोग कुछ करेंगे अपने, फिर आंदोलन करेंगे आप लोग? वो अभी नहीं बता सकते हैं सर। अच्छा, मतलब आप लोग में इतना है अभी ताकत बचा हुआ कि आप फिर से आंदोलन हो? हाँ, ये तो होते रहेगा, हमारा अपना मांग को सरकार से मांगना है ही है, ताकि भविष्य को देखते हुए, महंगाई को देखते हुए सरकार से तो ही मांग सकते हैं हम लोग कुछ। अच्छा, तो अच्छा 12 दिन का कैसा रहा यहाँ का एक्सपीरियंस बताइए थोड़ा, क्या क्या झेले, कैसे कैसे खाए पिए? सबसे पहली बात यहाँ की खाने का प्रबंध तो हम लोग अपना मेस का सुविधा किसी से, मतलब किसी माध्यम से हम लोग अपना मंगा लेते थे, और यहाँ कड़ी धूप, बरसात, ठंडे, हर चीज़ को झेलना पड़ता है, क्योंकि एक जो जवान होता है वो पूरी तरह से निडर हो जाता है इस सब ड्यूटी करते हुए। हम लोग हर तरह की ड्यूटी करते हैं, चाहे बरसात हो चाहे धूप हो चाहे किसी तरह भी ड्यूटी, हम लोग ड्यूटी करते हैं, इसलिए हम लोग उतना फ़र्क नहीं पड़ा। कितना पैसा खर्च हुआ है एक एक औसतन जवान का? लगभग 1,500 के आसपास खर्चा हो जाता है 12 दिन में। 12 दिन में 1,500 खर्च हो गया, आपका कितना खर्चा हो गया? मेरा लगभग वही 1,500 से प्लस हो गया मेरा खर्चा आंदोलन करने में। 1,500 प्लस खर्चा हो चुका है, रहने होने का देख ही रहे, पानी में जैसे तैसे रह रहे थे, खाना पीना का जैसे तैसे अरेंजमेंट हो रहा था, बहुत परेशानियां हुई 12 दिन में। ठीक। अब ये बैग कहाँ देखा था? हम लोग मतलब कि किसी भी प्रकार से सहमत नहीं है ये वेतन से। हाँ। और हम लोग तो किसी प्रकार से अभी सहमत नहीं, लेकिन वार्ता जब हुई अध्यक्ष महोदय किए तो हम लोग को तोड़ना ही पड़ा, लेकिन फिर कभी भविष्य में हम लोग कुछ दिन के बाद आंदोलन करेंगे। कितना दिन अभी धैर्य रखिएगा? अभी इसका निर्णय हम लोग नहीं लिए, लेकिन कमेटी द्वारा लिया जाएगा। अच्छा, 12 दिन यहाँ रहे तो माँ बाबू जी का फोन आता था डेली भाई लोग का? वो तो डेली आता था। हाँ। और डेली यही बोला जाता था हम लोग को कि घर से क्या बोलेगा, हम लोग का 10,000 में कुछ भी नहीं होता है, ये सब तो अपना खर्च ही केवल चलता है, घर परिवार को कहाँ से देखें। तो उन लोग क्या बोलता था, छोड़ दो आंदोलन आओ इधर? नहीं, उन लोग बोला कि आंदोलन करो और सरकार से लड़के लो। अच्छा, तो आप कौन गांव के, कौन जिला है? हम लोग गिरिडीह जिला से हैं। अच्छा, तो वहाँ पे एक आदमी को हम ऐसे जानना चाहते हैं, 10,000 का जो नौकरी खोजेगा उसको मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा वहाँ का? 10,000 कमाना अभी के दुनिया में कोई बड़ी बात नहीं है, वो तो कहीं भी लोग कमाता है, कोई भी आज ठेला पर भी जो बेचता है वो भी 15 से 20 हज़ार रुपया कमाता है, और मतलब कि 15-20 हज़ार कमा, 15,000 तक कमाना कोई भी इंसान कमाता है अभी। ये वर्दी पहन के 10,000 हम लोग को दिया जाता है, लेकिन क्या कीजिएगा, वर्दी का शौक था आप लोगों को? बस वर्दी का ही शौक था, लेकिन वेतन ही इतना कम है जो कहा नहीं जाता। देखिए, इन लोगों का जो जॉब था सहायक पुलिस का, सरकार ने कहा कि ठीक है 2 साल और आप खट लीजिए, कितना पैसा पे खटिएगा उसका अभी पूरा खुल के विवरणी नहीं दिया गया है, लेकिन ये मान के चला जा रहा है कि जो पिछले
सरकार में था वो अब भी रहेगा। अभी लोग सब जितना युवक लोग देख रहे हैं सहायक पुलिसकर्मी ये लोग आधा मन से संतुष्ट है। क्या संतुष्ट होगा बोलिए, मन भरा? मन तो नहीं भरा, काहे कि हम लोग को जो मानसा थी कि तत्काल हम लोग को सीधी नियुक्ति मिल जाए, लेकिन अभी तो नहीं मिली है। लेकिन कहता है कि इंतजार का फल मीठा होता है, इसी तरह से तो एक कमेटी बनाई गई है और हमको उम्मीद है कि वो कमेटी पॉजिटिव रिजल्ट हम लोग को देगी। तो कमेटी वेतन पे बनाया गया है ना? सारी मांगों को लेकर कमेटी बनाई गई है। अच्छा, तो कमेटी कब तक फैसला लेगी, इसका कोई डेडलाइन भी तय है? डेडलाइन नहीं है, लेकिन एक अनुमानित है 15 दिन। 15 दिन में नहीं आया कुछ रिजल्ट? नहीं आया तो जानवे बोल कहा जाता है कि मरता क्या नहीं करता, अगर पेट में खुद ही नहीं रहेगी तो लोग छटपटाएंगे ही। अगर सही सुचारू रूप से लोगों को अगर वेतन वगैरह मिलते रहा तो ठीक है, नहीं तो गड़बड़ हुआ तो ऑटोमेटिक है असंतोष लोगों में जगेगा और फिर से गुस्सा फूटेगी। बताइए मुख्यमंत्री जी 5-6 साल के लिए हैं, आप लोग चाह रहे हैं कि वो पूरा कर दें हैं परमानेंट, आप लोग कितना खर्चा किए 12 दिन में? वही मोटामोटी 3-3.5-4 हज़ार रखे। 3-3.5-4 हज़ार, तब तो आप ज़्यादा खर्चा कर दिए महाराज। अच्छा कैसा रहा यहाँ, पानी में भींगते थे जब पानी पड़ता था, ये सब बताइए थोड़ा, दर्शक लोग भी जाने कितना आंदोलन में दिक्कत होता है। देखिए जहाँ तक 2-3 दिन हम लोग को बारिश का बहुत ज़्यादा सामना करना पड़ा, बारिश में हम लोग यहाँ पे तिरपाल ओढ़ के रहते थे, किसी तरह से जैसे तैसे रात जग बिताते थे। जो भाई रात को स्टेज में सोता था वो सबको उठा के फिर हम लोग दिन में सोते थे। बहुत सारी समस्याओं का यहाँ शिफ्ट वाइज आप लोग सो रहे थे, शिफ्ट वाइज हम लोग को सोना पड़ा। तो पुलिस का ट्रेनिंग मिल गया था इसलिए आप लोग डट गए? नहीं, पुलिस का ट्रेनिंग मिल गया था इसलिए हम लोग डट गए। हर एक ये सब जितने भी पहलू है, जितना भी हम लोग यहाँ पे गुजारे 10-12 दिन, सारा हम लोग समझिए कि पुलिस में झेल चुके हैं। कहीं ड्यूटी अगर होती है तो इस तरह से भी हम लोग को समस्या का सामना करना पड़ता है और किए भी हैं। अच्छा, और जरूरत पड़ा तो आगे करेंगे भी। क्या आप ठीक है जो फैसला हुआ? नहीं, ये देखिए ठीक तो नहीं है। अच्छा। ठीक हम लोग कैसे कह सकते हैं, क्योंकि हम लोग की जो मंशा थी सीधी नियुक्ति का या तो मानदेय वृद्धि को लेकर, ये जो सेवा विस्तार को लेकर, वो तो क्लियर नहीं हुआ है। उच्च स्तरीय कमेटी गठित की गई है, उसके बाद देखिए रिजल्ट निकलेगा तो हम लोग सब जान जाएंगे। इतना ताकत बचा है जी आप लोग के शरीर में कि फिर आइएगा अगर आंदोलन करने का? इतना झेल लिया बरसात पानी दुनिया जहान लड़ाई झगड़ा, ताकत की बात है वहाँ तक तो अभी पूरी ताकत अभी भी बची हुई है। बहुत कम ताकत इसमें खत्म हुआ, लेकिन अच्छा सहायक पुलिस के भी वैसी बोलता है जवान? हाँ, कभी कभी ऐसा इस तरह का व्यवहार किया जाता है हम लोगों के साथ। अच्छा, जैसे कि कोई भी कुछ भी आकर के बोल जाता है। अच्छा, रेगुलर पुलिस वाला भी डांट देता है? नहीं, रेगुलर पुलिस वाले नहीं डांटते हैं। अच्छा। थोड़ा सा जो बड़े पदाधिकारी हैं वो कभी कभार गलत करने पर वो डांट देते हैं। अच्छा, और उसी तरह से बहुत कुछ। कितना खर्चा हुआ जी आपका? मेरा ज़्यादा नहीं हुआ, 3,500 रुपये खर्चा हुआ मेरा, 3,200 कुछ रुपये। 3,200 रुपये खर्चा हुआ, तो बचल बचल। अच्छा आप लोग एक बात बताइए, आप लोग तो जितना कमाते हैं वो तो खाली आपका मेंटेनेंस में चल जाता है, वर्दी जूता ये सब, घर में तो आप लोग पैसा नहीं देते होंगे? घर में मुंह नहीं दिखाते हैं। नहीं नहीं, तो नक्सली लोग के डरे नहीं दिखाते हैं कि पैसा नहीं देते इसलिए मुंह नहीं दिखाते? दोनों रहता है कि मतलब पैसा भी नहीं रहता और उस सब भी डर बना रहता है। फिर जाते हैं तो गांव ग्राम वाला भी पूछता है तो अरे कितना पैसा कमा रहे हो? हाँ, तो थोड़ा बेइज्जती टाइप का लगता है, बेइज्जती टाइप में भी लगता है। लेकिन सरकार पर भरोसा है कि कुछ ना कुछ हम लोगों के प्रति पॉजिटिव ही सोचेगी। तो धार वाला लोग तो बोल रहा होगा कि इतना 12 दिन यहाँ फोन पे ना बात होता होगा आप लोग का, अरे तनी कहाँ काम आता है, अपने देह का कुकुरो पोस लेता है तो आ जाओ वापस, ऐसे बोल रहा था। नहीं बताए थे लेकिन बीच में पता चल गया कि बेटा गया है रांची। अच्छा, वो अब बताना पड़ा जा करके कि इसलिए आए। तो लोग बोलता था कि आ जाओ वापस आंदोलन मत करो जब आप लोग को लाठी चार्ज वर्ज हुआ तो? नहीं, वो बोले कि जो हम लोग खाते हैं नॉन रोटी वही आप लोग को भी खिलाएंगे, आ जाओ क्या करोगे। माय बाबू जी ऐसा बोले? आप लोग भी पिटाए थे जी? नहीं, हाँ मुझे तो कहीं चोट नहीं लगा था। अच्छा। और गए थे हम भी वहाँ तक आंदोलन में गए थे, पर जिस दिन खबर मिला कि सब आप लोग पिटाए हैं लाठी से, घर वाला तड़ातड़ फोन कर रहा होगा? नहीं, घर वाला तो उस प्रकार का व्यवहार नहीं किया मेरे साथ। हाँ। वो बोला कि बस भीड़ का हिस्सा नहीं बनना है, चुपचाप शांत तरीका से आंदोलन करते रहना है बस, और ऐसा कोई प्रभाव नहीं पड़ा घर की तरफ से मेरा। ठीक है, आप कहाँ के रहने वाले हैं?
गिरिडीह के। अच्छा एक बात बताइए हमको, खाली वर्दी पहनने का शौक के चलते सहायक पुलिस बने कि था कि बाद में चलो आंदोलन होगा नौकरी था कि भविष्य में कुछ 3 साल के बाद सीधी नियुक्ति मिलेगी। अच्छा इसके लिए सहायक पुलिस ज्वाइन किए थे और राज्य की सेवा देश की सेवा के लिए भी ज्वाइन किए थे। कितना खर्चा हुआ आपका? हो गया 4,000 लगभग। 4,000 तो आप लोग पिटाए भी थे? नहीं, पिटाने वाला में नहीं थे। नहीं, आंदोलन में हम लोग शांतिपूर्वक आंदोलन कर रहे थे। ठीक है, अधिकतर यहाँ पे जो लोग हैं सहायक पुलिस घर जाने की तैयारी में है, कई लोग जा भी चुके हैं अपने अपने जिला में। सब कोई सरकार के फैसले से आधा मन से संतुष्ट है क्योंकि सेवा विस्तार हुआ है 2 साल करे 20 दिन के बाद जब फैसला आएगा 15 दिन के बाद कि कितना मानदेय में इंक्रीमेंट हुआ, क्या कुछ मिलेगा, क्या भविष्य में होगा, उसके बाद ये लोग कर रहे हैं संतुष्टि का लेवल पूछिएगा। फिलहाल के लिए इतना ही, आंदोलन है रंग लाया अपना। The followup.in Like, share and subscribe www.thefollowup.in